नमस्कार, द पॉलिटिक्स लाइव में आपका स्वागत है। और राजनीति की ही बात करते हैं, लुटियन जोन में यानी नई दिल्ली में एक खबर फैल रही है कि सोनिया गांधी और मायावती जल्दी ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मायावती क्या सोनिया गांधी के साथ आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, मायावती और समाजवादी पार्टी अगर एक साथ लड़ते हैं तो ये तकरीबन 50% तक वोट बैंक जा सकता है, और जिससे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी खासकर उन सीटों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के बीच हार जीत का मार्जिन बहुत कम है और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि मायावती को सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा करने वाली हैं, क्योंकि मायावती का पैन इंडिया प्रेजेंस है और जहां तक दलित वर्ग का सवाल है, दलित वर्ग उनके साथ है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ खड़गे रहेंगे, एक तरफ मायावती रहेंगी, और मायावती क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद आते हैं, अगर ऐसा होता है तो एनडीए के लिए खतरे की घंटी है और इंडिया अलायंस के लिए बोनस। लेकिन मायावती को उसके लिए एक शायद कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि बीआरएस से जो उनका तेलंगाना में अलायंस है उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीआरएस वहाँ एक दूसरे के सामने हैं। कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि मायावती को इंतजार है चुनाव नोटिफिकेशन का, उससे पहले वो शायद कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाएंगी। फीडबैक के लिए आपका इंतजार रहेगा।